Namaskar. Main hu Dr Pradeep Joshi, Astrologer. Sabhi mano ko koi to koi kashta hote rehte. Dukkatraya kabhi mano ko chhodte nahi. Adi bhautika dukkha, adi daivika dukkha, adhyatmika dukkha. Ye dukkha ka ज़्यादा मतलब लोगों को नहीं जानते, मगर क्या ना सामान्य परिभाषा में लोग क्या जानते हैं, धन संपत्ति नहीं है, धन नष्ट हो रही है, आरोग्य नष्ट हो रहे हैं, मींस लॉस इन वेल्थ एंड लॉस इन हेल्थ. नहीं तो व्यावहारिक में कुशलता नहीं हो रही, कोई मानवीय संबंध में कोई दिक्कत पड़ रहे है, और उद्योग में स्थिरत्व नहीं है, कोई भी काम करो काम नहीं होता है. ये छोटी छोटी चीज है, मगर बड़े बड़े दिक्कत दिखाते हैं हमको, बहुत हमको प्रॉब्लम कर देते हैं. मानव सोचते हैं वो स्वतंत्र बोल के, मगर मानव कभी स्वतंत्र नहीं है. यदि स्वतंत्र रहे तो चाहे कुछ भी कर लेता था, मगर कुछ चीज हमारे हाथ में नहीं रहते. इसी बाधाओं को हम कैसे पार करना चाहिए, ये हमारे ऋषि लोगों ने देख के परिशोधन करके हमको एक अच्छे सुलभ निवारण उपाय दिया है. वो यंत्र है. यंत्र क्या होता है, मतलब वो एक डिजाइन तरह बनते हैं, जैसे त्रिकोण और चतुष्कोण, ट्रायंगल, रेक्टेंगल्स बन के उसमें बीजाक्षर रहते हैं, ये यंत्र होता है. Actually, what is the definition of yantra? बोले तो यंत्र के मतलब क्या है? हम जो बात करते ना, means जो शब्द हमसे निकलते हैं, वो शब्द को एक रूप बनता है. वो रूप हमारी आँखों को नहीं देख सकते. कोई भी एक शब्द को एक रूप रहता है. आप YouTube में भी किधर किधर देख सकते हैं, how the sound impact as a yantra. वैसे सर्च करें तो आपको दिख देता है. वो कॉपर में यंत्र लिखते थे, यंत्र को लिख के उसमें मंत्राक्षर बना के वो मंत्र से शक्ति को उधर रखते थे. वैसे पूर्व काल में हमसे ज्यादा विज्ञानमय है, क्योंकि हम पूर्वजों की कंस्ट्रक्शन थियरीज वगैरह वो देख ले तो वी आर नथिंग. उसकी इंटेलिजेंस के ऊपर हम कुछ भी नहीं है. हमारी इतना ये रोबोटिक साइंस कोई भी नॉलेज हो हमारी कुछ भी नहीं है. वो ही यंत्र का वैशिष्ट्य है. वो यंत्र से हमको जीवन में कोई भी कष्ट हो उसको हम सुधार सकते हैं. पूरी ये यंत्र 80 लाख मीन्स 80 लाख तक यंत्र है. इतने यंत्र में कुछ कुछ बहुत अच्छे यंत्र हैं. वो सभी यंत्रों की श्लोक पूरी अथर्वण वेद में दिया हुआ है. अच्छा, मैं ये यंत्र के बारे में आपको क्यों बता रहा बोले तो, क्योंकि आपकी जो समस्या है वो समस्याओं से आप दूर होने के लिए आपको कोई भी निवारण उपाय नहीं है यंत्र से बिना. यंत्र ये कैसे उपाय है, आप इजीली आप आपकी बाधाओं को दूर कर सकते. कैसे दूर कर सकते पंडित जी, आप जैसे कैसे बताते हैं वो यंत्र रहते हैं. अच्छा, अब जो बोल रहे करेक्ट है पंडित जी, यंत्र रखे तो हमारे दूर हो जाते हैं. अच्छा, जो यंत्र शॉप वाले बेचते हैं ना, उसके पास भी हजारों यंत्र रहते हैं, उसकी बिजनेस के लिए वो भी दौड़ते रहते हैं. आप बोल रहे यंत्र रखे तो अमीर हो जाता बोल के, जो 100-100 यंत्र शॉप में रखते थे वो तो मिलियन होना, मिलीनियर, मल्टी मिलियन होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहे? वो फिर फालतू यंत्र बेच रहे, वो एक बिजनेस कर रही है. जो यंत्र रखते वो अमीर बन जाता बोले तो वो भी अमीर बन जाना चाहिए ना. यस, देयर इज अ लॉजिक. क्योंकि मैं ऐसे ही पूछा था मेरे पिताजी को, अच्छा पिताजी आप बोल रही है यंत्र रखने से अच्छे होता बोल के, सब लोगों को बोल रही है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, क्योंकि ये यंत्र हमारे घर में 100-100 है, हजारों यंत्र है हमारे घर में, हम क्यों अमीर नहीं बन रहे? हमारे पिताजी तब आंसर दिए, हर एक जन्म के समय पर उसकी कुंडली बन जाते हैं. पूर्व जन्म कृतम कर्म शुभम वा यदि वा शुभम तस्य कर्मण पंक्तिम ग्रह सूचयंती है जन्मनि. हर एक मानव का जन्म लेते ही उसके कर्म निर्धारण हो जाते हैं जो पूर्व कर्म के अनुसार से.
हम यंत्र को वो जातक को अनुसंधान करके इसकी जातक में कोई प्लैनेट्स ठीक नहीं है, वो मींस कौन सी ग्रह का स्थिति अच्छा नहीं है, वो ग्रहों की स्थिति अच्छा बनाने के लिए ये यंत्र को उससे जुड़ा के बीजाक्षर मंत्र संयुक्त से पूजा पाठ 11 दिन करना है। करने के बाद वो आदमी को वो यंत्र से मिलन हो जाता है, तब वो यंत्र ये आदमी का जो हिडनली मीन्स बिना आंखों की जो पंचभूतात्मक शक्ति के नहीं है, हिडनली मीन्स अगोचर शक्ति से उसको शक्ति देना स्टार्ट करती है। किधर से शक्ति देती है बोले तो यूनिवर्सल में, प्रकृति में बहुत सारा एनर्जी है, आपको तो मालूम है। एक बार ये थंडर गिरता है ना, थंडर बारिश का, बारिश पर एक झलक की रोशनी आता है थंडर, वो थंडर को यदि कैच कर ले तो सारी दुनिया को 10 साल के लिए, एक बार तुम ठीक से कैच कर ले तो सारी दुनिया को एक साल के लिए आप करंट देख सकते। मालूम है आपको ये विषय, ये विषय फिजिक्स में है, पढ़ लीजिए। वैसे यूनिवर्सल में, नेचर में शक्ति है। हमरे में जब पॉजिटिव एनर्जी कम होता है, नेचर से हम वो एनर्जी लेना चाहिए। जब नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाता है, नेचर से हमको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलता है, तब कैसे मिलना चाहिए? कोई तो एक मीडियम होना चाहिए ना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ, वास्तव से रूप से आपसे मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ, आप मोबाइल से मुझे देख रही है। ये दोनों मीडियम के बने से हम दोनों की संभाषण हो रहे हैं, आप मेरे से ज्ञान ले रही है। वैसे नेचर से हम पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए हमको एक यंत्र के अवसर है। वो यंत्र केवल अथर्वण वेद से, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म कुख्याति गुख्या महिमान्वित बीजाक्षर से संयुक्त होना चाहिए। बिना बीजाक्षर की संयुक्त से, बिना संपुटीकरण से, बिना पूजा पाठ से, बिना सिद्धि से यंत्र की फायदा नहीं है। वो सिर्फ एक ड्राइंग मटेरियल जैसा रहता है, मगर वो कुछ भी उपयोग नहीं है। अच्छा, तब मैंने ये जान लिया था मेरे पिताजी से। अब समझ में आ गया, जो यंत्र में शॉप में चुपचाप रखने वाले को क्यों वो अमीर नहीं होता, इससे अमीर क्यों बनता है। और वैसे भी हम यंत्र खरीदते बाहर में, कोई भी दुकान में चले जाते यंत्र को खरीदते तो वो बोलते ये यंत्र रख लीजिए, ये लक्ष्मी कुबेर यंत्र, ये कुबेर यंत्र रख लीजिए, आप अमीर बन जाते। कुछ भी नहीं बनते थे। बिना सिद्धि के, बिना पूजा पाठ के, बिना यंत्र का काम नहीं है। जैसे हमारे शरीर भी हैं, शरीर के अंदर आत्मा होना चाहिए, शक्ति होना चाहिए। आत्मा के बिना शरीर क्या क्या करते हैं आप? जब शरीर आत्मा छोड़ के चले गया, वो शरीर आप घर पर रख लेते क्या? बाहर फेंक देते हैं। कुछ पूजा पाठ करके सब लोगों को बुला के, बैंड बजा के, आरती वगैरह दे के, फूल वगैरह चढ़ा के स्मशान में फेंक देते, नहीं तो डीकम्पोज हो जाते, घर पूरा भद्दू हो जाते। वैसे यंत्र केवल जो रूप रेखा से जो करते हैं ना कॉपर पे, वो यंत्र सिर्फ यंत्र है। यंत्र को मंत्र और तंत्र से मिले तो वो परफेक्ट होता है। यंत्र मंत्र तंत्र स्वरूपिणी सर्वयंत्रात्मिका सर्व तंत्र रूप स्वरूपिणी, ललिता सहस्रनाम में बोलते, श्री विद्या में रहते ये यंत्र। कोई विष्णु का, विष्णु देवता के भी नहीं रहते, केवल देवी का शक्ति के रूप में ही रहते। विकास देवी सप्तशति में कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्यों बोलते? विष्णु को और शिव को किधर भी शक्ति नहीं कहा, शक्ति केवल देवी माँ को कहा। उसी के लिए चरमे जन्मनि चैव श्री विद्योपासको भवेत् इत्यर्थे, जो श्री विद्या उपासक होते हैं उसके आखिरी जन्म है, आखिरी जन्म ही श्री विद्या के ज्ञान मिलता है, मीन्स उसके बाद में कोई जन्म नहीं रहते। इतना अत्यद्भुत हमारी शास्त्र में है। अभी आपको यंत्र क्या मतलब क्या है आपको समझ में आया?
अभी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कौन ये यंत्र को रखना चाहिए, किधर रखना चाहिए। हमारी बाधा बहुत सारा रहते हैं। किसी एक आदमी रहते हैं, वो जन्म से भी उसकी जातक ठीक नहीं है, फिर कैसे उसको धन्यजीवी कैसे करना है, उसको भाग्यशाली कैसे करना है। उसीलिए शास्त्र में, वास्तुशास्त्र में कहा गया है, जिसकी दशा ठीक नहीं है, मीन्स ग्रहों की दशा ठीक नहीं है, उसकी एक दिशा अच्छे से बनाओ तुम, मीन्स वास्तु बनाओ उसको। वास्तु ठीक से बन गया ना, वो अमीर हो जाते हैं। मीन्स है, मैं एक पेपर में भी पढ़ा था, एक आदमी फेसबुक कंपनी को, जब फेसबुक कंपनी स्टार्ट हुआ था, वो आदमी वो फेसबुक कंपनी को फर्नीचर के काम किया था। तब जो फेसबुक कंपनी ओनर के पास पैसे नहीं था, उन्होंने क्या किया, उसको डॉलर्स दे दिए, उसको उसकी कंपनी का शेयर्स दे दिया, उसको रिक्वेस्ट किया, मेरे पास पैसे नहीं है भैया, मैं एक नया काम कर रहा हूँ, यदि मेरी दिशा अच्छे से हुई है तो मेरी दशा टर्न हो जाते हैं, तब तक आप तो मेरी शेयर ले लीजिए। मीन्स जो दो डॉलर की जो शेयर्स था, वो लगभग 2000 रुपये का वो डॉलर्स शेयर्स दे दिया उन्होंने, चलो देख लेंगे क्या हो जाता है बोल के। उसको भूल गए उन्होंने, 10 साल के बाद वो मल्टी मिलियनर बन गया सिर्फ वो शेयर से, वो फर्नीचर वाले। मीन्स फेसबुक कंपनी बढ़ गई, इसमें शेयर ले लिया, ये भी बढ़ गया। वैसे ही यदि आपकी घर की वास्तु ठीक है तो आप ही ठीक हो जाएगा, आपकी दिशा ठीक हो जाए तो आपकी दशा ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम कितने किधर रहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त किधर रहते हैं, इधर हमारी ऑफिस में, नहीं तो व्यापार क्षेत्र में, नहीं तो घर में, है ना। वैसे भी हम नेचर के साथ 1-2-3 घंटे रहते हैं, मगर कभी बाहर नहीं रहते ना। घर में लगभग 8-10 घंटे तो घर में रहना ही पड़ता, रेस्ट लेते सो जाते। तब यदि घर में वास्तु ठीक नहीं रही तो क्या हो जाएगा, घर में वास्तु ठीक नहीं रही तो नेगेटिव एनर्जी आ जाता है। अचानक घर में रहते रहते गुस्सा हो जाते, अचानक कुछ परचेस कर लेते, अचानक धन नष्ट हो जाते, अचानक आरोग्य नष्ट हो जाते, कैसे हो रहे कुछ को भी मालूम नहीं होता। मेरा बहुत सारा क्लाइंट्स को भी देखा मैंने, वो आते पंडित जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा आप डॉक्टर के पास जाइए, कितने नेगेटिव टेस्ट करे तो कुछ भी करे तो डॉक्टर लोग बोलते कुछ भी नहीं दिख रहे, मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं रह जा होता है, क्योंकि डॉक्टर्स भी नहीं पहचान सकते हैं, उसी का भी उसका नॉलेज भी एक लिमिटेशन है। उसीलिए हमारे ऋषि लोगों ने एक अच्छी तरह एक आइडिया दिया हमको, एक सुविधा दिया। क्योंकि मैं ये शास्त्र के वचन क्यों आपको बता रहा हूँ बोले तो, आपको ऐसे नेगेटिव बोलते हैं क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं पंडित जी डराते हम लोगों को, ये वास्तु नहीं है, ठीक नहीं है बोल के। आप ऐसे मत मानिए डरा रहा हूँ बोल के, क्योंकि आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। ज्ञान देना कभी डराना नहीं है। वैसे एक सांप जा रही है बच्चे को, तो बोल रही ये सांप है ये काटते हैं, बोले तो बच्चे को तुम डरा रही है कि ज्ञान दे रहे, ज्ञान दे रहे। क्योंकि अरे ये सांप को दिखा के क्यों डरा रहे, तो मेरे बच्चे को आने दो ना सांप को, क्या करते हैं काटते हैं मर जाते। यदि बच्चे को सांप की ज्ञान दिए तो वो दूर चले जाते। वैसे हम आपको ज्ञान दे रहे, जो अंधविश्वास मूढ़ विश्वास की ज्ञान नहीं दे रहे। क्योंकि वास्तु एक ऐसे अच्छे चीज है, उससे आपकी ठीक बन जाते। क्योंकि मैं ये वास्तु संवर्धन यंत्र के बारे में क्यों मैं आपको बताना चाहता हूं बोले तो, मैं बहुत सारा घर गया, पुणे गया था और दिल्ली गया था, मुंबई गया था। अरे किधर देखो, पुणे में जाके देखा था एक अपार्टमेंट है, वो अपार्टमेंट में नैऋत्य कोण में किचन रखा है उन्होंने। एक्चुअली नैऋत्य कोण में किचन नहीं रखने का, उसकी घर में वो बहुत अच्छे भाग्यशाली है। वो बोल रहे पंडित जी हमको कुछ भी नहीं, बहुत अच्छे हम। अच्छा एक ऐसे हो गया। अच्छा फिर दूसरे घर देखा मैंने, वो भी अच्छा है। दूसरे घर देखा उसका अच्छा नहीं है, ये कैसे? क्योंकि अपार्टमेंट में, क्योंकि ये वास्तु का मतलब मैं क्या है ना, मैं कोई नॉर्मल पंडित नहीं हूँ, मैं बहुत रिसर्च करके क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद किसी को मैं स्वीकार करता हूँ। मैं ऐसे ही पूछा था मेरे पिताजी से, क्योंकि मेरे पूरा ज्ञान मेरे पिताजी से मिला। मैं पिताजी से पूछा, पापा अभी अपार्टमेंट में रहते, सभी का एक ही तरह है ना,
क्यों सभी, एक अमीर होता है एक भाग्यशाली नहीं होता है, एक का प्रॉब्लम चलता है, एक घर में सडन मौत हो जाते हैं, क्यों सभी का वास्तु एक ही तरह है ना, क्यों इसमें डिफरेंस क्यों है? अच्छा ये भी रहते, ये डाउट आपको भी आया होगा, क्योंकि मैं आपको रियलाइजेशन कर रहा हूँ, जैसे मैं अज्ञान की तरह से मेरे डैड को पूछा था वैसे आपको भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप भी मेरा तरह डाउटफुल रहे, क्योंकि वास्तु क्या है ना, कोई की त्रिकोण वास्तु होते हैं, कोई चतुष्कोण वास्तु होते, कुछ किसी का वास्तु ठीक नहीं होता है। तब मेरे पिताजी ने पूछा, हर एक व्यक्ति का जातक होता है, जातक से वास्तु भी मिलते हैं, किसी का साउथ अच्छा रहता है, किसी को नॉर्थ अच्छा रहता है, वो नहीं बोल सकते हैं क्या? किसी का साउथ अच्छा है, वो साउथ की फेस मिल गया उसकी घर, वो भाग्यशाली बन जाएगा। किसी का साउथ फेस नहीं चलता, वो घर में आ गया उसकी नहीं चलता, वैसे रहते। फिर ये सबका सोल्यूशन क्या है? वो घर छोड़ के जाना है क्या, घर भेजना है क्या? साउथ फेस में घुस गया, उन्होंने प्रॉब्लम्स हो रहे, वो घर भेजने के बेच के किधर जाए? किधर भी नहीं जा सकते। कोई ठोड़ बोड़ करना है, अरे यार उसको महीने में 10,000 खर्च के लिए नहीं जा रही है, वो घर में किधर ठोड़ बोड़ करके फिर किधर रिपेयर करते, वो भी नहीं होता। फिर एक सोल्यूशन तो मिलना चाहिए ना, बिना कोई नष्ट से, कोई बाधा से एक परफेक्ट सॉल्यूशन मिलने, वो क्या है? वो ही है वास्तु संवर्धन यंत्र। ये वास्तु संवर्धन यंत्र में 9 यंत्र है, इसमें परिपूर्ण बीजाक्षर युक्त से एक अच्छे यंत्र है। ये यंत्र आप घर में रख लीजिए, क्योंकि ये यंत्र बनाने के वक्त पर भी आपकी जातक हमको चाहिए, बिना जातक हम यंत्र नहीं देते। इधर आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस देना चाहिए, नहीं तो आपकी कामना देना चाहिए, आपके घर की प्लान हमको भेजना चाहिए, उसके हिसाब से हम वो यंत्र को बना के उसमें बीजाक्षर मंत्र को ठीक करवा के हम आपको भेजते हैं, सिद्धि करवा के भेजते हैं। बिना सिर्फ कॉपर की प्लेट बेचना बोले तो हम नहीं भेजते। वैसे भी ये वास्तु संवर्धन यंत्र आपको मार्केट में किधर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं और मेरी पिताजी एंड हमारी गुरुजी सब लोग मिल के अथर्वण वेद से डिराइव करके हम उस उधर जो यंत्र है वो यंत्र को हम रूपकल्पन दिया है, उसीलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ वास्तु संवर्धन यंत्र आपकी वास्तु प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छे यंत्र है, आपको इतना अच्छे फायदा देता है ना, डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट्स। आप सिर्फ ये यंत्र को ले लीजिए, आपके घर में फ्रेम बना के रख लीजिए, और उसके लिए क्या क्या करना है, मेडिटेशन करना पड़ेगा, वो मेडिटेशन थियरीज आपको हम ट्रेनिंग दे देते हैं, आपको बता देते हैं। घर में बैठ के एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, क्योंकि आपकी शरीर के हिसाब से, आपकी जातक के हिसाब से आपको कोई तो कोई एक बीजाक्षर रहेगा, वो एक बीजाक्षर एक सुविधा के टाइम पर हम दे देते हैं, वो टाइम पर आप वो बीजाक्षर के पाठ करें तो आपके घर में सब सौभाग्य सिद्धि हो जाते हैं। अचानक व्यापार नष्ट, धन नष्ट, मृत्यु हेतु, अकाल मृत्यु, आरोग्य नष्ट, ये बाधा सब दूर हो जाते हैं, मेंटल पीस मिल जाते हैं। मैं आपको इतना परफेक्ट क्यों बता रहा हूँ बोले तो आई एक्सपीरियंस इट, दैट्स व्हाई आई एम सेलिंग दिस यंत्र। ये यंत्र का कीमत है 21,000 है, एंड पोस्टल चार्जेस एक्स्ट्रा है। होप यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई सेड, आपको मैं जो बताया आपको विश्वास आया बोल के मैं समझता हूँ। वैसे ही आपको ये यंत्र चाहिए तो एक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी एड्रेस, मेरे फ़ोन नंबर सब कुछ रहते हैं, वैसे भी स्क्रीन में भी मेरी एडिटर रख लेते हैं, स्क्रीन में भी आप देख लीजिए, फ़ोन नंबर व्हाट्सअप नंबर भी रहते हैं, देख लीजिए। आपको चाहिए तो, आप सीरियस हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आलतू फालतू फ़ोन मत कीजिए प्लीज़, इट्स रिक्वेस्ट, बिकॉज मेरा टाइम बहुत प्रेशियस है। मैं ये नॉलेज को सारी मानव लोगों को देने के लिए मैं वीडियो कर रहा हूँ, सारी सब लोगों को कुछ अच्छे होना चाहिए मेरी तरफ से, क्योंकि भगवान हमको एक अच्छे से ज्ञान दिया, एक ज्ञान से सभी को अच्छा होना चाहिए। वी आर नॉट हियर टू डू द बिजनेस, वी आर हियर टू हेल्प द पीपल, प्लीज काइंडली अंडरस्टैंड। एंड सभी सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, श्रीमात्रे नमः।